गोदावरी के चक्कर ना पवी तो जदों तो साढ़े किसान मर जाएंगे ये खुदकुशियां कर लेंगे। प्रैक्टिकली जो हल करना या लोगों के मसलों का हल करना वो नहीं करता गा। पिछले कई दिनों तो हो रही बेमौसमी बरसात कारण वड्डी गिणती किसानों दी फसलों का वड्डा नुकसान होया है। इस तरह मोगा जिले में भी पिछले कई दिनों तो मीह ते गड़ेमारी जारी है ते बड़ी मात्रा विच होए नुकसान तो बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों वालों डिप्टी कमिश्नर मोगा के दफ्तर अगे विशाल धरना दिता गया। किसानों का कहना है कि भारी मीह गड़ेमारी ते झखण ने पिंडा विच काफ़ी नुकसान किया है। कणक ते सब्जियां विच पानी खड़ गया सी, जिस कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान जमीन ठेके ते लैके खेती करते हैं, जिस कारण किसानों नूं भारी आर्थिक नुकसान होया है, जिसके चलते उन्होंने वालों सरकार तो मुआवजा होर वध करन दी मांग कीती है। उन्हां दा कहना है कि 15,000 दे मुआवजे नाल किसानां नूं कोई राहत नहीं मिलेगी। सानू लोड़ पै गई, ये तो सारे नूं पता ही है जी भी किन्ने जिहड़ी गड़ेमारी होई है, पर मौसम बहुत ज़्यादा खराब होया है, इन्ना ज़्यादा झखड़ आया है कि किसानां दीआं फसलां बिल्कुल ही तबाह हो गई, इन्नियां कु तबाह हो गई, उन्हां दे विच गोडे गोडे पानी खड़ा है। ये सरकार नूं भी दिसदा है कि कणकां दे हालात की ने, किसान अज खुदकुशियां करने मजबूर होए पए ने। अस अज असी इस सरकार तो किले का पूरा मुआवजा लैन नहीं, जिवें कि 50,000 60,000 होंदा है, असी वह मुआवजा लैन आ गया। ये जिहड़ा भगवंत मान है जदों गद्दी ते बैठा नहीं सी ना, उदों ये बड़े ऐलान करता सी, कहिंदा सी कि असी दिल्ली की तर्ज ते जिवें दिल्ली गोदावरियां बाद च हुंदियां ने ते पैसे असी किसानां नूं खाते च पहलां पावांगे तां कि किसान खुदकुशियां ना कर लैण। जदों हुण गद्दी ते विराजमान होया तां कहिंदा पहले असीं गोदावरियां करावांगे। असीं इह सरकार नूं पुछणा चाहुंदे आं कि तू गोदावरियां दे चक्करां च ना पवी ते जदों तां साडे किसान मर जाणगे ये खुदकुशियां कर लैणगे। मैं किसान दी धी आं, मैनूं पता है कि अज असीं जदों असीं रस्ते जा रहे सी कि किसान खेतां च खड़े रो रहे सी, पानी कढ रहे सी, जे सी बी इन्ना टोए बना के पानी कढ रहे ने, पर जिहड़े कणकां दे जिहड़े दाणे ने उह दुबारा हरे हो रहे ने, कणकां बिल्कुल ही तबाह हो चुकियां ने। इसलिए असीं इन्हां सरकारां नूं कहना चाहुंदे आं कि जल्दी तो जल्दी बिना गदावरी किते ये किसानां दे खातियां दे विच पैसे पाए जाण, नहीं तो जिहड़ा साडा पंजाब दा किसान है वह बिल्कुल ही आत्महत्या करते राह पै जूगा ते साडा पंजाब खत्म हो जूगा। ग्रहां जथेबंदी दी जी मैं मोगे जिले दी प्रधान हाँ जी, ते जिहड़ियां असीं औरतां असीं हर बारी जिथे भी साडा संघर्ष लड़दा है असीं बराबर आपदे भरावां दे मोढे नाल मोढा ला के खड़ियां हुंदे आ। कोई भी संघर्ष होवे असीं बराबर दीआं हिस्सेदार हां। अज दा धरना इस करके लाया हैगा कि पंजाब विच थां थां पिछले कई दिनों तो गड़ेमारी हुई है, बारिश पई है, नेरियां आईया ने, जिदे नाल फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कणकां विछियां पईआं, बल्लियां उहदे च उगियां आई हैं, दाने उगे हुए ने, आई जिहड़ा हैगा सरों का बहुत सारा नुकसान होया, आलूआं का नुकसान होया, सब्जियां का नुकसान होया, कई साथियों के मकान ढह गए ने, पर सरकार ने जिहड़ा हैगा वो हले तक कख नहीं किया गा। भगवंत मान ने कहा सीगा कि एक हफ्ते के विच विच जिहड़ा हैगा वह गरदौरी करके लोगों के मुआवजा जिहड़ा किसानों के खाते में पा दिता जाऊगा, पर हले तक किसी के खाते च मुआवजा नहीं पाएगा। इतों तक साड़ी जानकारी मुताबक हले पटवारी गरदौरियां करन भी नहीं लगेगी। साड़ी पटवारियां नाल गल हुई सी, कहिंदे हले कोई संभावना नहीं, हले एक दो दिन ठहर के गरदौरियां करन लगेंगे, जे गरदौरियां ही नहीं कीतियां तां 13 अप्रैल तक जिहड़े वादे करदे आ उदों तक मुआवजा मिलने की कोई रास्ता नहीं। कोई सानू लगता नहीं गा भी मुआवजा 13 अप्रैल तक देता जाऊगा। इस करके असीं संघर्ष के मैदान में हाँ, जे मुआवजा ना मिलिया तो आने वाले समय संघर्ष जिहड़ा होर तिखा किया जाऊगा। जिहड़ी सरकार हैगी है ये पिछलियां सरकारां भी इहो जिहियां सी, ये उन्हां तो दूरतियां उत्तों दी है। जो भगवंत मान बोलता हैगा असल में बोलता ही है, वो सिर्फ प्रैक्टिकली जिहड़ा हल करना जां लोकां दे मसलियां दा हल करना वो नहीं करदा गा। तो दस दईए कि पंजाब सरकार वल्लों फसलां दे नुकसान तो बाद किसानां लई 15,000 प्रति एकड़ मुआवजे दा ऐलान कीता गया है, जिसके चलते सरकार वल्लों गिरदावरियां करन दे हुक्म भी जारी कर दिते गए ने, पर किसानां दा कहना है कि यह रकम काफ़ी नहीं है, इसलिए किसान मुआवजे दी रकम होर वध करन दी मंग कर रहे ने। इसे तरह विरोधी पार्टियां भी
सरकार ते दबाव पा रही ने कि किसानों के मुआवजे की रकम वधाई जाए। हुण देखना आएगा कि सरकार वालों की फैसला लिया जाता है। मोगा तो चमकौर सिंह लोपो की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।